नमस्कार दोस्तों, आज देखिए मैं नर्सरी में आई हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने ये देखिए सिंगोनियम का इतना बड़ा प्लांट भी बन जाता है इस तरह से, और इसका चारा भी ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना हाई ऊंचा गया है। ये नीचे से ही गमले में ही लगाया हुआ है, गमले से ही इतना बढ़ गया है ये देखिए। और उसके बाद ये देखिए अट्रैक्टिव प्लांट, ये देखिए इसमें पत्तियों में कितना सुंदर डिजाइन है, उसके बाद बीच में फ्लावर भी आया है कितना प्यारा, और ये इसका चारा ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए सिंगल सिंगल प्लांट, उसके बाद देखिए आगे देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे। उसके बाद देखिए अट्रैक्टिव प्लांट, और यहाँ पे है ये देखिए रिपाम, और उसके बाद ये मलेशिया से आया है देखिए, इसका गुलदस्ते के टाइप में प्लांट है, स्नेक प्लांट ही है वैसे ये। और उसके बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्लावर पॉट की तरह। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर, यहाँ पे देखिए पेंटास को एक ही सारे कलर, वाइट कलर है, रेड कलर है, पिंक कलर है, और ये जामनी कलर है, एक ही इसने पॉट में पूरे गुलदस्ते में लगाया है। ये देखिए स्नेक प्लांट, इस काफ़ी वैरायटी स्नेक प्लांट की इनके पास है इस तरह से ग्रीन आउट। ये करेक्टर्स आगे सारे करेक्टर्स हैं इनके पास, कैक्टस हैं देखिए, सारी वैरायटी है इनके पास, आप लगा सकते हैं और ख़रीद के ले जा सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं, खूब ही सुंदर है। हरियाली घर में सबको आजकल पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। उसके बाद ये ग्रीन वाला देखते इस तरह से ये काफ़ी अच्छे अच्छे, ये मनी प्लांट है यहाँ पे देखिए, मनी प्लांट भी बहुत सुंदर है। इसके बाद जैक प्लांट है ये देखिए, पूरा इन्होंने चारा बनाया हुआ है। जेड प्लांट देखिए कितना अच्छे से हरियाली ग्रोथ कर रही है, खूब अच्छे से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद रबड़ प्लांट है अभी वो देखिए, रबड़ प्लांट भी कितना अच्छा कर रहा है और सदाबहार भी खूब। ये रबड़ प्लांट देखिए, ये पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। ट्रस देखिए कितना बड़ा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है एक ही पॉट में। यहाँ पे सदाबहार वाइट कलर है, पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर है, बहुत ही सुंदर कलर। और पोलियस थोड़ा मुरझा गया, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे इस टाइप।